A very good morning, student. This is Srikant and our class 10th history chapter 2nd, Nationalism in India. Continue. Student, previous classes we have discussed about Swaraj Party toward the civil disobedience. Okay, in toward civil disobedience, we discussed about the Swaraj Party, Simon Commission, and the Purn Swaraj. And today we will discuss about the Salt March और दांडी मार्च. हम लोग इसको बेटा दोनों यहाँ पर पढ़ सकते हैं, साल्ट मार्च और दांडी मार्च. ओके, एंड साल्ट मार्च एंड द दांडी मार्च इज द सिंबल ऑफ बिगनिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोबीडियंस. डिसोबीडियंस एंड जस्ट लाइक यू यू आर ओबे स्टूडेंट, आप आज्ञाकारी शिष्य हो, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर डिस लगा दें तो अवज्ञा, मतलब हमारी बातों को आप जो है अवज्ञा करते हो, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते हो. तो स्टूडेंट, गांधी जी स्टार्ट नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ दांडी मार्च, साल्ट मार्च. एंड गांधी जी बिलीव दैट, गांधी जी बिलीव दैट साल्ट is the powerful symbol to unite all Indians. सारे इंडियंस को यूनाइट करने का एक सबसे बड़ा सिंबल है. Why they considered salt, about salt, salt के बारे में क्यों सोचा? Because of, you know, salt used by all peoples, either poor or he's rich. मतलब यानी कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सारे लोग तो salt का यूज करते हैं. और साल्ट को ही उन्होंने एक बेटा सिंबल क्यों बनाया? बिकॉज ऑफ साल्ट हैव अ मोनी, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली ओनली हैव अ ब्रिटिशर्स, एंड द ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर साल्ट एंड दे कैन सेल साल्ट. ओके, एंड दे आल्सो इम्पोजेस हैवी टैक्सेस, और उन्होंने और तो और जो हैवी टैक्सेस लगा रखा था, इसकी वजह से जो साल्ट के प्राइस हैं वो इंक्रीज हो रहे थे. So Gandhi ji decided, and we will start our civil disobedience movement with Dandi March. Okay, and for this, on the 31st January 1930, Gandhi ji sent a letter to Lord Irwin. Lord Irwin कौन थे? Lord Irwin was the Viceroy during the civil disobedience movement. Okay, and enclosing 11 demands and including 11 demands and the in which the and some demands were related to the agriculture and the some demands related to the industrialist, and they also some one of the most demand was to release the political prisoner, yani ki jinhone non violence mein violence mein participate kiya unko chhod kar ke jitne bhi non violence prisoners hain unko aap release kar diye, chhod dijiye. एंड अमाउंट दे वन ऑफ द मोस्ट डिमांड. ओके बेटा, स्टेविंग डिमांड्स वॉज द साल्ट. ठीक है बेटा, एबलिश द साल्ट टैक्स. ओके, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, व्हाट हैपेंड हियर? एंड लॉर्ड इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट ऑन दिस मैटर, मतलब और जो है डिमांड को मानने के लिए तो तैयार हो गए लॉर्ड इरविन, लेकिन यहां पर जो है लॉर्ड इरविन वॉज अनविलिंग टू द निगोशिएट ऑन द साल्ट, यानी कि साल्ट पर जो है कोई भी बात करने से वो बिल्कुल जो है अनविलिंग दिखा देते हैं, अनिच्छा दिखा देते हैं. ओके बेटा, सो स्टूडेंट, एंड गांधी जी स्टार्टेड, मतलब उन्होंने 11 मार्च तक का समय दिया था कि आप अपना जो है रिप्लाई 11 मार्च तक अगर नहीं करते हैं तो 12th मार्च से हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट दांडी मार्च. And on the Gandhi ji and with his 78 followers, okay, 70 Gandhi ji, Gandhi ji and his 78 followers started Dandi March, okay, from Sabarmati Ashram to Dandi, यानी कि साबरमती से लेकर के उन्होंने निश्चय किया कि साबरमती से चल करके दांडी में जा करके वहाँ पर कोस्टल एरिया से जो है एक पिकिंग ऑफ जो है हैंड्स उठा करके वी ब्रूक द सॉल्ट लॉ. So students, and ashram had reached Dandi on the 6th April, and their total distance between the Sabarmati and the Dandi is about around 240 miles.
दोनों जो है साबरमती और डांडी के बीच की दूरी कितनी थी 200 एंड ही कवर्ड ऑन द 24 डेज विथ हिज 78 फॉलोअर्स ओके एंड दे रीच्ड द 6 अप्रैल और आप जानते हो सॉल्ट पे मोनोपाली किसकी है ब्रिटिशर्स की है उसमें वहां तक कोई जा ही नहीं सकता एंड गांधी जी रीच्ड ऑन द दांडी एंड दे पिकिंग अप मतलब वन हैंडफुल सॉल्ट वेरी ब्रेव पर्सन थे बिना डर के ओके बिना फियर के वो जाते हैं दे पिकिंग अप वन हैंडफुल सॉल्ट एंड ब्रुक डाउन टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या करते हैं वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को तोड़ देते हैं ओके दे ब्रुक टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ओके स्टूडेंट्स and from and this is all about of this lecture and this is matlab when the gandhi ji broke down the broke up salt law and this is the, it is marked to the beginning of the civil disobedience movement in next video we will discuss about the reaction of people gandhi ji to sare logo mein popular the to logo ne kya react kiya about the salt march okay तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा फिर करेंगे रिएक्शन ऑफ पीपल्स ओके ओके दिस इज ऑल अबाउट थैंक यू